ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में चल रहे कोयला चोरी को लेकर जनता मजदूर संघ का प्रेस वार्ता। केंद्रवा रविवार को एटवाल 6 में स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनता मजदूर संघ अलकुसा कोलियरी शाखा सचिव गोलू रवानी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता के जरिए गोलू रवानी ने कहा कि बीसीसीएल कुसुंडा एरिया 6 के अंतर्गत न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी में संचालित मेसर्स हिंदुस्तान ट्रेड ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी पिछले एक वर्ष से कोयले की ढुलाई नियम के विरुद्ध करती आ रही है। झारखंड सरकार के नियम अनुसार 75% स्थानीय बेरोजगार विस्थापितों प्रभावितों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा करके बाहरी लोगों से काम करवा रही है। रोजगार की मांग करने वाले बेरोजगार युवकों पर झूठा मुकदमा परिवहन कंपनी की ओर से करा दिया जाता है। कंपनी के प्रबंधक सुभाष शर्मा का मनमानी और हिटलरशाही अपनाकर काम करा रही है। कंपनी में कार्य कर रहे मजदूरों के साथ आर्थिक मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जा रहा है। कंपनी प्रबंधक स्थानीय रंगदारों से साठ गांठ कर रात के अंधेरे में व्यापक पैमाने पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में कोयला तस्करी कर रही है, जिससे यहां के आम लोग परेशान हैं। इसमें कई अधिकारी भी सम्मिलित हैं। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं बीसीसीएल प्रबंधक से मैं मांग करता हूं कि ट्रांसपोर्टिंग कंपनी प्रबंधक के अवैध कारनामों से बीसीसीएल कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसे अविलंब रोक लगाने की पहल करें, अन्यथा 26 जनवरी के बाद ट्रांसपोर्टिंग कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए संघ बाध्य होगा। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग तैयार हैं। ये ट्रांसपोर्ट जितना भी इसमें वर्कर काम कर रहे हैं ना बढ़िया से पेमेंट दे पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोयला चोरी करवा रहा है। कोयला चोरी कैसे करवा रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। अलकुसा डंप जो डीओ होल्डर लोग हैं वो लोग भी परेशान हैं। रात में कोयला खूब चलेगा, वहाँ से हाईवा निकलेगा जाने के लिए रेक KDS 12 जहाँ पर कोयला रेक लोडिंग होता है, वो रेक नहीं जाता है, वो 3 नंबर CHP जाता है। 3 नंबर CHP जाने के बावजूद CHP में जैसे उनका अभी CHP ब्लैकलिस्ट है, उसके बाद वहाँ से हाईवा निकलेगा जाने के लिए रेक KDS 12 जहाँ पर कोयला रेक लोडिंग होता है, वो रेक नहीं जाता है, वो 3 नंबर CHP जाता है। 3 नंबर CHP जाने के बावजूद CHP में जैसे उनका अभी CHP ब्लैकलिस्ट है, उसके बाद भी CHP में लोग 10 गाड़ी वहाँ से निकला तो 7 गाड़ी 8 गाड़ी CHP चल जाता है। CHP जाने के बाद 7 गाड़ी CHP या तो पूरा डंप करती है और उसमें बैंड लोड होता है जो रेक में जाता है, या तो आधा डंप करके उसमें बैंड लोड होता है, या जो भी हो जस्ट जो भी हो स्लेक वो लोड होता है उसमें और वो रेक में गिरता है। उन्हें फ्रेश कोयला यहाँ और बैंड वहाँ, तो वहाँ के लोकल लोग आवाज़ वहाँ जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि सबका तो मिली भगत है और हमारे लोकल प्रशासन को भी आँख में धूल झोंक के ये लोग 1 नंबर काम को 2 नंबर तरीके से कर रहे हैं। अब 1 नंबर कोयला ही डायरेक्ट तो नहीं बेच सकते हैं, कहीं जाके अपना गाड़ी भेज दिए डिपो में खाली करवा दिए इनको पैसा मिल गया। पैसा कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट। कौन कौन लोग सम्मिलित है इसमें? इसमें सम्मिलित 3 नंबर CHP यहाँ से जो कोयला निकलता है, सुभाष शर्मा एक नाम है, सुभाष शर्मा ये मुंशी का काम करते हैं इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये पूरा दलाली पे उतर गए हैं। अरे दलाली करके भी लेबर को वर्कर को पेमेंट कर दीजिए ना, कोयला बेच रहे रात में कम से कम 10 गाड़ी 20 गाड़ी आप कोयला बेच रहे हैं, 1 गाड़ी पे 20 से 30 हज़ार रुपये गिराने का ले रहे हैं। बोलते हैं कि GPRS लगा हुआ है, GPRS कहाँ चल जाता है आपका जब रात में? अगर नहीं इस बात से, अगर नहीं किसी को इस बात पे भरोसा है तो आप 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक का खेला देखिए ना उस वहाँ पर 3 नंबर CHP में, और नहीं तो सबूत 1-2 दिन में हम आपको 1-2 दिन में हम फ्लैश करेंगे उस सबूत को, सबूत के साथ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।